अगर न्याय नहीं मिलता तो अगर मान लीजिए कि तो फिर हाईकोर्ट का क्या काम है, सुप्रीम कोर्ट का इस देश में क्या काम है, जजों का क्या काम है? न्याय तो मिलना ही मिलना है, न्याय मिले। लेकिन 90 दिन के अंदर अगर आप हम लोग को नहीं दीजिएगा न्याय, तो राजपूत में इतना ताकत है कि अपने बाहुबल पे वो न्याय ले लेंगे। हम एक आदमी 1,000 पे भारी है, हमको खुला तो छोड़ो। एक बार सरकार कह तो देख सिर्फ कि हम तुमको न्याय नहीं दे पाएंगे, देखिए ना हम न्याय कैसे ले लेते हैं, गर्दनवा काट काट के न्याय ले लेंगे। आप है कहां? वेदी का हम लोगों ने, हमारे समाज ने अल्टीमेटम दिया है कि 90 दिन के अंदर आप लोग न्याय कीजिए और न्याय मिलेगा। और राजपूत वीर हैं और वीर हमेशा अनुशासन स्थित होते हैं, अनुशासन की पहचान वीरता होती है। जंगल में घास का रोटी पसंद किया लेकिन देश के स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। तो देश के लिए लड़ते हैं हम, तो वॉरियर हैं, इस देश के लिए लड़े हैं, हमारे पूर्वज लड़े हैं, हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर अपना शीश गंवाए हैं इस देश के माटी के खातिर। लेकिन कितना दुखद है, उन्हीं उन्हीं पूर्वजों के, महान पूर्वजों के बच्चों के घर में घुसकर हत्या कर दी जा रही है। लॉरेंस ऑफ बिश्नोई का क्या वैल्यू है जी? पेट का त्रिया घींच लेंगे, खुनवा घींच लेंगे। मर्द का बच्चा होता तो चैलेंज करता सुखदेव सिंह होगा मेरी को, अरे गिदड़ो लड़ना था तो तुम्हारे लिए राजपूत का एक बच्चा काफी है, सुखदेव सिंह होगा मेरी तो बहुत बड़े हमारे परमाणु बम थे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 5 दिसंबर के दिन राजस्थान में राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी को 3 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद राजस्थान सहित तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन राजपूत समाज के द्वारा शुरू हो गया। आपको बता दें कि अभी मैं पटना के विद्यापति भवन में हूँ, जहाँ आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है सुखदेव सिंह गोगा मेडी के लेकर के। हमारे साथ संयोजक हैं राकेश रंजन राघोपुर। राकेश रंजन जी, आज आप लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं, यहाँ कहा यह जा रहा है कि सभी राजपूत सेना काफी दुखी हैं, आक्रोश में हैं और कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय मिलेगी? निश्चित रूप से मरमाहत और न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता तो अगर मान लीजिए कि तो फिर हाईकोर्ट का क्या काम है, सुप्रीम कोर्ट का इस देश में क्या काम है, जजों का क्या काम है? न्याय तो मिलना ही मिलना है, न्याय मिलेगा। कैसे न्याय मिलेगा? सिर्फ बोलने से न्याय तो नहीं मिल जाएगा। देखिए ऐसा है ना कि बोलने से न्याय नहीं मिलेगा। 90 दिन का हम लोगों ने, हमारे समाज ने अल्टीमेटम दिया है कि 90 दिन के अंदर आप लोग न्याय कीजिए और न्याय मिलेगा। और राजपूत वीर हैं और वीर हमेशा अनुशासन स्थित होते हैं, अनुशासन की पहचान वीरता होती है। और हम लोग वीर हैं और हम लोग अपना न्याय ले लेंगे। अभी फिलहाल तो सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन 90 दिन के अंदर अगर आप हम लोग को नहीं दीजिएगा न्याय, तो राजपूत में इतना ताकत है कि अपने बाहुबल पे वो न्याय ले लेगा। आप लोग कह रहे हैं कि राजपूत में इतना ताकत है कि अपने बाहुबल पे ले लेगा। मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं कि कुछ दिन पहले महिपाल सिंह मकराना, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि किसी में हिम्मत नहीं है कि जब तक उन लोगों का इनकाउंटर नहीं हो जाता कोई यहां मुख्यमंत्री पद का शपथ नहीं लेगा। भजन लाल शर्मा शपथ भी ले लिए, उनका बयान का फिर क्या हुआ? देखिए ऐसा है कि जितने भी महिपाल सिंह मकराना ने जो बोला था, तो सरकार के तरफ से जो है कि आवेदन आया और उनका टीम आया और टीम बैठ के सारी लोग बात किए और उन्होंने हाथ जोड़ के करबद्ध करके प्रार्थना राजपूत समाज से की कि भाई सरकार बनने दीजिए, आप लोग को निश्चित रूप से 90 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा। उसके लिए उन लोगों ने एक मेमोरेंडम भी तैयार किया और सरकार और हमारे जो सुखदेव सिंह होगा मेरे के परिवार के लोग के बीच में एक सरकारी दस्तावेज पे साइन वाइन सब हुआ, तब जाके हम लोग राजपूत समाज के लोग तब तक मान गए। हम लोग मानकर फिर जो है आंदोलन को समाप्त किया। लेकिन 90 दिन का टाइम मिला हुआ है, 90 दिन के अंदर हम लोग को अगर नहीं मिलता है न्याय, तो फिर तो हम लोग आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन का आग पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। एक बयान सिर्फ आया था ठाकुर का कुआं, जिसके लेकर के समझिए कि पूरे देश में आप लोग कितना विध्वंस मचा दिया था अपने आक्रोश से। क्या एक सुखदेव सिंह गोगा मेडी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग के संगठन के हैं, उनके मौत के बाद आप लोग कैसे खामोश रह जाएंगे? भाई ये मत कहिए देश में विध्वंस मचा दिया था, इस देश को बचाया भी है तो राजपूतों ने बचाया। इतिहास पलट के देख लीजिए आप, महाराणा प्रताप का इतिहास पलट के देख लीजिए। मान सम्मान स्वाभिमान को लेकर, इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान को लेकर जंगल में घास का रोटी पसंद किया लेकिन देश के स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। तो भाइयों विध्वंस नहीं मचाते हैं, हम तो देश के लिए लड़ते हैं, हम तो वॉरियर हैं, इस देश के लिए लड़े हैं, हमारे पूर्वज लड़े हैं, हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर अपना शीश गंवाए हैं इस देश के माटी के खातिर। लेकिन कितना दुखद है, उन्हीं उन्हीं पूर्वजों के, महान पूर्वजों के बच्चों के घर में घुसकर हत्या कर दी जा रही है। और ये सारी हत्या जो हुई है ये सरकार के लापरवाही के कारण हुई है। चूंकि पंजाब पुलिस का इनपुट था कि भाई कभी भी सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या हो सकती है, और विगत 3 सालों से सुखदेव सिंह गोगामेरी सरकार से गुहार लगा रहे थे कि भाई मेरी हत्या हो सकती है, मेरी हत्या हो सकती है, मेरी हत्या हो सकती है।
लेकिन सरकार ने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और सुखदेव सिंह गोगामेरी जी की हत्या हो गई। अगर बात की जाए तो आप लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हुए हैं, अगर कहा जाए कि राजपूत समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में आनंद मोहन रामा सिंह जैसे लोग जो हैं वो क्या आए थे श्रद्धांजलि सभा में? ऐसा है कि ये कार्यक्रम जो है पूर्ण रूप से समाज का कार्यक्रम था, वो भी समाज और नहीं ठीक है, पहले बात को समझिए आप। और ये इस पर जितने भी लोग आए हैं स्वतः आए हैं, किसी का कोई बुलावा इसमें नहीं है, और जो आए हैं सो आपके सामने दिख रहे हैं, जो आए हैं, जो लोग आए हैं, जो भी समाज के लोग आए हैं। देखिए राजपूत समाज को आप क्या मान के चलते हैं, राजपूत समाज का हर बच्चा शेर होता है, हर बच्चा शेर होता है, इसलिए राजपूत समाज का 1000 शेर 1,00,000 अकबर के फौज को भागने पर पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन को मत भूलिए, हम एक आदमी 1000 पे भारी है, हमको खुला तो छोड़ो, एक बार सरकार कह तो देख सिर्फ कि हम तुमको न्याय नहीं दे पाएंगे। देखिए ना हम न्याय कैसे ले लेते हैं, गर्दनवा काट काट के न्याय ले लेंगे आप है कहा, हर हर हम तो कुछ भी कर सकते हैं, राजपूत के बच्चा ना है जी, लॉरेंस ऑफ बिश्नोई का क्या वैल्यू है जी, पेट का तरिया घींच लेंगे, खुनवा घींच लेंगे, मर्द का बच्चा होता तो चैलेंज करता सुखदेव सिंह गोगामेरी को, सुखदेव सिंह गोगामेरी कहां हो, आओ हमको तुम्हारा हत्या करना है, उसको मालूम चल जाता कि राजपूत का बच्चा क्या होता है, रखेत रखेत के क्या हाल करते, उसको समझ में आता है कि किसके मुंह में हाथ डाला, गद्दारी कर दिए, शादी का काट लेके घुस गए जी, पाए लागू करके पैर झुके प्रणाम करके घर में घुस गए, फिर गोली मार दिए, बहुत बड़ा, अरे अरे गिदड़ो, लड़ना था तो तुम्हारे लिए राजपूत का एक बच्चा काफी है, सुखदेव सिंह गोगामेरी तो बहुत बड़े हमारे परमाणु बम थे, छोड़िए ना बात। तो आखिर क्या हुआ जब ठाकुर को कुआं जब मनोज झा ने बोला तो आनंद मोहन रामा सिंह जैसे लोगों ने मोर्चा खोल दिया, लेकिन आज सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का और राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ आनंद मोहन के द्वारा और रामा सिंह के द्वारा, कुछ नहीं, 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 नहीं सब लोग सब 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 लोगों का सब लोगों का ऐसा नहीं है, समर्थन रहा है समाज के सभी लोगों का समर्थन रहा है, सब लोग मरमाहत हैं और हम लोग कोई आपस में बटे हुए नहीं, सब लोग का इसमें रहा ऐसा नहीं, सारे लोग हम लोग साथ में हैं और मजबूती के साथ साथ में। ये थे हमारे साथ संयोजक राकेश रंजन राघोपुर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम सभी राजपूत समाज जो है एकजुट हैं, चाहे वो आनंद मोहन हो चाहे रामा सिंह हो, हम सभी एकजुट हैं, और 90 दिनों का अल्टीमेटम इन्होंने दिया कि 90 दिनों के भीतर अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर राजपूत सेना या राजपूत करनी सेना का तांडव देखेगी सरकार। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन, धन्यवाद।